खबर वाराणसी से है। विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर की तरफ से शनिवार को 21 सितंबर को महमूरगंज स्थित महेश्वरी भवन में निशुल्क स्मृति जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मुख्य रूप से 60 साल या ऊपर के वृद्धों के लिए था जिन्हें याददाश्त की समस्या थी। इस अवसर पर लगभग 200 से ऊपर वृद्ध व्यक्तियों ने अपना निःशुल्क स्मृति जाँच और अन्य रक्त जाँच कराकर परामर्श लिया। सर्वप्रथम डॉक्टर सरोज वर्मा और डॉक्टर विजय राय ने मरीजों का शारीरिक परीक्षण किया। फिर अनुभवी मनोवैज्ञानिक अमित कुमार गुप्ता, सुभाष चंद्र सिंह, नूर सबीना, उत्तरा, सुनीता, सालू और अभिषेक ने स्मृति जांच किया। तत्पश्चात मनोचिकित्सक डॉक्टर अक्षय लेले और डॉक्टर नुपुर पाल ने समस्त मरीजों का परामर्श दिया। देवा इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर मेघराज झंवर ने बताया कि भारत में डिमेंशिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसलिए समाज में लोग डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति के परिवार वालों की स्थिति व दिक्कतों को नहीं समझते। देखभाल करने वाले तितर बितर हैं और वे आपस में मिलकर अपने अनुभव नहीं बांट पाते और ना ही वे समस्याओं और सुझावों का आदान प्रदान कर पाते हैं। क्योंकि डिमेंशिया की जानकारी आम नहीं है इसलिए परिवार वाले यह नहीं जान पाते कि मरीज की हालत किस तरह से साल दर साल अधिक खराब होती जाएगी और वे इसके लिए उचित तरह से योजना बना पाते। यह एक मस्तिष्क का रोग है जो प्रायः याददाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है। बाद में यह मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है जिनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे रोजमर्रा के कामों में कठिनाई, संवाद में कठिनाई, मनोदशा, निर्णय लेने की क्षमता या व्यक्तित्व में बदलाव इत्यादि। आमतौर पर समय के साथ यह बीमारी बढ़ती है। यह समस्या वृद्ध लोगों से ज्यादा होती है। हालांकि 40 वर्ष की आयु में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। 65 वर्ष की उम्र तक हर 20 में से एक व्यक्ति को एवं 80 वर्ष की उम्र तक हर 5 में से एक व्यक्ति को मनोभ्रंश हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने डिमेंशिया के बारे में तथा उसके रोकथाम के तरीकों को बताया जिससे उनका देखभाल अच्छे से किया जा सके। समस्त कार्यक्रम का संचालन मनोवैज्ञानिक अमित कुमार गुप्ता के द्वारा समाज सेविका मोहिनी झंवर के देखरेख में किया गया। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। मेरा नाम नूर शबीना है और मैं देवा मेंटल हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम अल्जाइमर की बात करें तो डेली यूज़ में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो नियर 62 या 60 क्रॉस जिनकी एज हो चुकी है उसमें डेली यूज़ में डेली रहन सहन में उनके बदलाव होने लगता है, जैसे कि उनकी याददाश्त में कमी, जैसे कि डेली नहाया है कि नहीं नहाया है, नहा लिया है फिर भी नहा के भूल गए हैं, खाना खाया है लेकिन खाना खाकर फिर भी भूल गए हैं, और फिर उन सारी चीज़ों की दोबारा डिमांड करना, ये तो हो गई डेली दिनचर्या की बात। और उनकी डिसोरिएंटेशन, याददाश्त में कमी, आज तारीख कितनी है, महीना कौन सा है, ये तो अभी सुबह है कि शाम है, इन सारी चीज़ों में डेली रहन सहन में इनके बदलाव आने लगता है। साथ ही साथ इनके अगर अलग रहन सहन की बात करें, अलग रहन सहन में जैसे कि अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है और वो रिटायर्ड हो चुका है, उसको बाहर की जो ज़िंदगी है और अपने घर की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अल्जाइमर की और बात करें तो स्पेसिफिकली मतलब तारीख हो गई, डिसोरिएंटेशन हो गया, उसके अलावा कैलकुलेशन उनकी ग्रेजुअली इम्पेयर्ड होने लगेगी, मतलब उनको कैलकुलेशन करने में, जोड़ने में और कैलकुलेट करने में ये सारी चीज़ों में समस्या आएगी। यही है छोटी मोटी जो दिनचर्या में एनजाइटी भी साथ ही साथ होती है और डिप्रेशन भी चीज़ों में छोटी इन सारी चीज़ों में देखा जाता है। फिजिकली कोई प्रॉब्लम जैसे सर में दर्द, बदन में दर्द, इस टाइप का कुछ? ये तो एक अलग सिम्टम है कि सर में दर्द है और भी बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और इसके अलग अलग और भी कारण हो सकते हैं। क्या ये युवा में भी होता है? उसके अलग काउज हो सकते हैं युवा में, लेकिन अल्जाइमर स्पेशली मैं बात करूँ तो वो प्रौढ़ अवस्था में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या रीज़न है, क्या चेंजिंग आती है जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम अगर हम बात करें, ये एक नेचुरल
डिज़ीज़ है जो कि आफ्टर 16 इयर्स के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, और जो कि 60 साल के बाद के जो मरीज़ हैं उनके अंदर वो स्पेशली देखने को मिलती है। और इसमें एग्जैक्टली ब्रेन में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे डिसओरिएंटेशन मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको डेली याददाश्त में कमी, जैसे कि आज तारीख कितनी है, महीना कौन सा है, खाना खाया है खा के भूल गए, ये सारे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जो कि अल्जाइमर के पेशेंट को देखने में मिलते हैं। अगर इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसे पेशेंट आपको दिख रहे हैं आसपास, उनकी मदद के लिए पहले फैमिली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फैमिली इंसाइट बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरे मरीज़ को ये दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी हेल्प तो ये इसकी एक साइकेट्री सेटअप में ही है और इस साइकेट्री डिपार्टमेंट से ही ये प्रॉब्लम जो है इसकी सॉल्यूशन मिल सकती है। अदरवाइज़ और भी कोई ऐसा एरिया नहीं जो ये सारी चीज़ें डायग्नोस कर सके और इसमें प्रॉपर एक प्रोग्राम चला सके और इनको आराम दे सके। कोई ऐसी जांच है जिसको कराने से पता चल रहा है? अल्जाइमर, हाँ, कई साइकेट्री टूल्स हैं सच एज जैसे कि मिनी मेंटल हिंदी एग्जामिनेशन है जो कि हम असेस कर सकते हैं कि अल्जाइमर है कि नहीं है उस टूल से। इसके अलावा और भी बहुत से डिटेल इवेल्युएशन हैं जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू हम जान सकते हैं, जैसे एम्स बैटरी हो गई, लूरिया लिब्रास्का हो गई, देन उसके बाद ये कंप्लीट बैटरी है, इसके बाद ये हम बता सकते हैं कि अल्जाइमर है तो है, और अल्जाइमर है तो वो किस किस ब्रेन के पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद ही अभी आपने एक पेशेंट को देख रही थी तो उसको आपने कुछ फिगर बनाने के लिए बोला, पेपर मोड़ने के लिए बोला, तो ये आप क्यों करा रही थी? दिस इज़ द पार्ट ऑफ टूल्स जो मैं अभी इसमें टेस्टिंग लगा रही थी, ये उसके डोमेन है, उस डोमेन में आते हैं और इसीलिए मैंने पेशेंट से बोला था। तो कैसे कैसे पेशेंट से क्या क्या कराया जाता है? पहले तो हम इनकी मतलब ये बेसिकली इसके टूल्स के अंदर है, बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये पेशेंट कहाँ का रहने वाला है, उनको अपना सेल्फ आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है, उनको सच जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ हुआ, उनको अपना ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या काम करते थे, अभी करंट में उनके घर की फैमिली स्टेटस क्या है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और घर में इंटरेक्शन पैटर्न किससे सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका डिसओरिएंटेशन कितना अच्छा है और डिसओरिएंटेशन में सच जैसे तारीख हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। ये हो गया। फिर मैम कुछ ड्रा भी करा रही थी आप, उससे क्या टेस्ट क्या पता चलेगा उससे? इससे हमें इनके मतलब ये जैसे कि विजुअल आस्पेक्ट का पता चल सकता है कि हाँ इनका जो मोटर डिफिशेंसी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, परसेप्चुअल लेवल इनका कितना है, परसेप्चुअल लेवल इनकी क्या अभी क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हम टूल्स के माध्यम से ही असेस करते हैं।